हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग को। दोस्तों, आज मैं आप लोग के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन लेकर के आया हूँ, जो कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एवं उस महत्वपूर्ण तिथि से है। दोस्तों, आज का जो सेशन होने वाला है बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आने वाले सभी एग्जाम के लिए यहाँ से दो तीन क्वेश्चन आपको रहेंगे दोस्तों। और अभी जो बिहार शिक्षक की बहाली हो रही है, उसमें यहाँ से दो तीन क्वेश्चन जरूर आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे दोस्तों। तो चलिए बिना देर किए क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे जैसा कि टॉपिक हम लोग का है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एवं उससे महत्वपूर्ण तिथियाँ, यानी उसकी जो महत्वपूर्ण तिथियाँ हैं उससे संबंधित है। इसमें हम लोग देखेंगे, पहला जो है हम लोग का जालियांवाला बाग हत्याकांड, यानी जालियांवाला बाग हत्याकांड कब होता है, क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे। तो यहाँ पे आंसर हम लोग का होगा 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड होता है। इसके बाद से दूसरा क्वेश्चन है, रॉलेट एक्ट कब होता है दोस्तों। तो यहाँ पे आंसर हम लोग का हो जाएगा 19 मार्च 1919 को। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, असहयोग आंदोलन, यानी असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब होती है। तो यहाँ पे 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन की शुरुआत होती है। इसके बाद से आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन की समाप्ति कब होती है। तो 5 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन की समाप्ति होती है। दोस्तों, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि असहयोग आंदोलन की समाप्ति कब होती है, या कभी कभी पूछ दिया जाता है असहयोग आंदोलन कब हुआ था। तो यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, चौरी चौरा कांड। तो चौरी चौरा कांड जब देखेंगे, तो यह भी असहयोग आंदोलन की जिस समय समाप्ति होती है उसी समय चौरी चौरा कांड होता है, यानी 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड होता है और असहयोग आंदोलन की समाप्ति भी उसी दिन यानी उसी तिथि को होता है। इसके बाद से देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वराज पार्टी की स्थापना कब होती है। तो स्वराज पार्टी की स्थापना 1 जनवरी 1923 को होती है। इसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइमन कमीशन भारत कब आया, यानी साइमन कमीशन का भारत आगमन कब हुआ। तो 3 फरवरी 1928 को, यानी साइमन कमीशन का जो है भारत आगमन 3 फरवरी 1928 को होता है। इसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, बारदोली सत्याग्रह। तो बारदोली सत्याग्रह जो है 1928 में होता है। इसके बाद से देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, नमक सत्याग्रह या दांडी मार्च कब हुआ था। दोस्तों, कहीं कहीं नमक सत्याग्रह पूछा जाता है, कहीं कहीं दांडी मार्च भी पूछा जाता है। तो इसका इसका जो तिथि है 12 मार्च 1930 हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन, यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है 6 अप्रैल 1930 को होता है। इसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गांधी इरविन समझौता, यानी गांधी इरविन समझौता जो है 5 मार्च 1931 को होता है। यानी गांधी इरविन समझौता जो है 5 मार्च 1931 को होता है। दोस्तों, मेरा इस तरह का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने का एक ही उद्देश्य होता है दोस्तों, कि बहुत ही कम समय में ज्यादा से ज्यादा हम लोग क्वेश्चन को रिवीजन कर पाएंगे, ताकि जो भी आने वाले एग्जाम है जिसमें हम लोग जिस एग्जाम के लिए जाए वहां पे दो तीन क्वेश्चन इससे आपको रहेंगे। चलिए दोस्तों, तो इसके बाद देखते हैं कैमुअल अवार्ड की घोषणा जो है 16 अगस्त 1932 को होती है। इसके बाद से नेक्स्ट में उना पैक्ट होता है, यानी 16 अगस्त 1932 में कैमुअल अवार्ड की घोषणा के बाद उना पैक्ट 24 सितंबर 1932 को होता है। इसके बाद से नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन, अगस्त प्रस्ताव, यानी अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 को होता है। यानी अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 को रखा जाता है। इसके बाद से देखेंगे,
कैबिनेट मिशन का भारत आगमन। दोस्तों यहाँ पे बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि साइमन कमीशन और यहाँ पे है कैबिनेट मिशन। तो दोस्तों यहाँ पे साइमन कमीशन जब पूछा जाता है तो 3 फरवरी 1928 हो जाएगा, और यही बात अगर पूछा जाता है कि कैबिनेट मिशन का भारत आगमन तो 24 मार्च 1946 हो जाएगा। यानी अगर पूछा जाएगा साइमन कमीशन तो 3 फरवरी 1928, और यही पूछा जाएगा कैबिनेट मिशन तो 24 मार्च 1946। इसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? तो 2 सितंबर 1946 में। दोस्तों आप जब भी बीपीएससी का एग्जाम देने जाइए तो अंतरिम सरकार का गठन का जो मंत्रिमंडल है उसको पूर्ण रूप से देख के जाएं, क्योंकि वहां से 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो अंतरिम सरकार का गठन जो है दोस्तों 2 सितंबर 1946 को होता है। शिमला सम्मेलन, शिमला सम्मेलन जो है 25 जून 1945 को होता है। और इसके बाद से सबसे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूदान आंदोलन की शुरुआत। तो भूदान आंदोलन की शुरुआत जो है 18 अप्रैल 1951 को होती है। दोस्तों इस तरह से आज हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन देखा, जो कि आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो बिहार में सेवन फेज की शिक्षक बहाली होने वाली है, यहाँ से 2-3 क्वेश्चन रहेंगे दोस्तों। और जो खासकर यहाँ टॉपिक है मेरा कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, यानी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन यहाँ का मुख्य टॉपिक है। यहाँ से क्वेश्चन एकदम निश्चित रूप से रहेंगे दोस्तों। आई होप कि मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद दोस्तों। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग को। दोस्तों आज मैं आप लोग के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन लेकर के आया हूँ, जो कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एवं उससे उस महत्वपूर्ण तिथि से है। दोस्तों आज का जो सेशन होने वाला है बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आने वाले सभी एग्जाम के लिए यहाँ से 2-3 क्वेश्चन आपको रहेंगे दोस्तों। और अभी जो बिहार शिक्षक की बहाली हो रही है उसमें यहाँ से 2-3 क्वेश्चन जरूर आप लोग को देखने के लिए मिलेंगे दोस्तों। तो चलिए बिना देर किए क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे जैसा कि टॉपिक हम लोग का है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एवं उससे महत्वपूर्ण तिथियाँ, यानी उसकी जो महत्वपूर्ण तिथियाँ हैं उससे संबंधित है। इसमें हम लोग देखेंगे पहला जो है हम लोग का जालियांवाला बाग हत्याकांड, यानी जालियांवाला बाग हत्याकांड कब होता है क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे। तो यहाँ पे आंसर हम लोग का होगा 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड होता है। इसके बाद से दूसरा क्वेश्चन है रॉलेट एक्ट कब होता है दोस्तों। तो यहाँ पे आंसर हम लोग का हो जाएगा 19 मार्च 1919 को। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे असहयोग आंदोलन, यानी असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब होती है। तो यहाँ पे 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन की शुरुआत होती है। इसके बाद से आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन की समाप्ति कब होती है। तो 5 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन की समाप्ति होती है। दोस्तों कभी कभी पूछ लिया जाता है कि असहयोग आंदोलन की समाप्ति कब होती है, या कभी कभी पूछ दिया जाता है असहयोग आंदोलन कब हुआ था। तो यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का चौरी चौरा कांड। तो चौरी चौरा कांड जब देखेंगे तो यह भी असहयोग आंदोलन की जिस समय समाप्ति होती है उसी समय चौरी चौरा कांड होता है। यानी 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड होता है और असहयोग आंदोलन की समाप्ति भी उसी दिन यानी उसी तिथि को होता है। इसके बाद से देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वराज पार्टी की स्थापना कब होती है। तो स्वराज पार्टी की स्थापना 1 जनवरी 1923 को होती है। इसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन है साइमन कमीशन भारत कब आया, यानी साइमन कमीशन का भारत आगमन कब हुआ। तो 3 फरवरी 1928 को, यानी साइमन कमीशन का जो है भारत आगमन 3 फरवरी 1928 को होता है।
इसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का बारदोली सत्याग्रह। तो बारदोली सत्याग्रह जो है 1928 में होता है। इसके बाद से देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन कि नमक सत्याग्रह या दांडी मार्च कब हुआ था। दोस्तों कहीं कहीं नमक सत्याग्रह पूछा जाता है, कहीं कहीं दांडी मार्च भी पूछा जाता है। तो इसका इसका जो तिथि है 12 मार्च 1930 हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सविनय अवज्ञा आंदोलन, यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है 6 अप्रैल 1930 को होता है। इसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे गांधी इरविन समझौता, यानी गांधी इरविन समझौता जो है 5 मार्च 1931 को होता है। यानी गांधी इरविन समझौता जो है 5 मार्च 1931 को होता है। दोस्तों मेरा इस तरह का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने का एक ही उद्देश्य होता है दोस्तों कि बहुत ही कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग क्वेश्चन को रिवीजन कर पाएंगे, ताकि जो भी आने वाले एग्जाम है जिसमें हम लोग जिस एग्जाम के लिए जाएं वहाँ पे 2-3 क्वेश्चन इससे आपको रहेंगे। चलिए दोस्तों तो इसके बाद देखते हैं कैमुअल अवार्ड की घोषणा जो है 16 अगस्त 1932 को होती है। इसके बाद से नेक्स्ट में उना पैक्ट होता है, यानी 16 अगस्त 1932 में कैमुअल अवार्ड की घोषणा के बाद उना पैक्ट 24 सितंबर 1932 को होता है। इसके बाद से नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन अगस्त प्रस्ताव, यानी अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 को होता है। यानी अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 को रखा जाता है। इसके बाद से देखेंगे कैबिनेट मिशन का भारत आगमन। दोस्तों यहाँ पे बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि साइमन कमीशन और यहाँ पे है कैबिनेट मिशन। तो दोस्तों यहाँ पे साइमन कमीशन जब पूछा जाता है तो 3 फरवरी 1928 हो जाएगा, और यही बात अगर पूछा जाता है कि कैबिनेट मिशन का भारत आगमन तो 24 मार्च 1946 हो जाएगा। यानी अगर पूछा जाएगा साइमन कमीशन तो 3 फरवरी 1928, और यही पूछा जाएगा कैबिनेट मिशन तो 24 मार्च 1946। इसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था। तो 2 सितंबर 1946 में। दोस्तों आप जब भी बीपीएससी का एग्जाम देने जाइए तो अंतरिम सरकार का गठन का जो मंत्रिमंडल है उसको पूर्ण रूप से देख के जाएं, क्योंकि वहां से 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो अंतरिम सरकार का गठन जो है दोस्तों 2 सितंबर 1946 को होता है। शिमला सम्मेलन, शिमला सम्मेलन जो है 25 जून 1945 को होता है। और इसके बाद से सबसे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूदान आंदोलन की शुरुआत। तो भूदान आंदोलन की शुरुआत जो है 18 अप्रैल 1951 को होती है। दोस्तों इस तरह से आज हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन देखा, जो कि आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो बिहार में सेवन फेज की शिक्षक बहाली होने वाली है। यहाँ से 2-3 क्वेश्चन रहेंगे दोस्तों, और जो खासकर यहाँ टॉपिक है मेरा कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, यानी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन यहाँ का मुख्य टॉपिक है। यहाँ से क्वेश्चन एकदम निश्चित रूप से रहेंगे दोस्तों। आई होप कि मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद दोस्तों।